used a DIY face mask. Was it? The classic, the sun, and, uh, तो आजकल दीपिका पादुकोन सीन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है और, और पाकिस्तान और इंडिया में जाता है मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ कह सकती हूँ तकरीबन हर बंदे ने यूज किया होगा आज हम इसको ट्राई करेंगे और मैं आपको बताऊंगी इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं इसको उपटन के नाम से भी जाना जाता है पाकिस्तान और इंडिया में देसी उपटन का काम करता है आपने क्या करना है बेसन लेना है हल्दी लेनी है और उसके अंदर आप दही भी एड कर सकते हैं इसमें आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं ने मलाई बताया था लेकिन मैं यहाँ पर दही यूज कर रही हूँ क्योंकि यार मेरी ऑयली स्किन है ऑयली स्किन वाले मलाई अपने फेस पर ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिकनी होती है और आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो सकते हैं तो ये एक मज़े का फेस पैक रेडी हो जाता है मिक्सचर बन जाता है बड़े मजे से मक्खन जैसा ये टेस्टी टेस्टी सा लग रहा होता है देखने में और इसका टेक्स्चर जो है वो बहुत ज्यादा थिक होता है बड़ा मज़े का क्रीमी सा टेक्सचर बन गया मेरा मैंने इसके अंदर बिल्कुल पानी रोज वाटर कुछ भी ऐड नहीं किया ठीक है आप लोगों ने क्या करना है इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा लेना है आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं जैसा कि दीपिका पादुकोन यूज़ करती हैं जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं अगर सर्दियाँ होती तो शायद मैं इसमें मलाई ऐड कर देती लेकिन आज क्योंकि मेरे फेस पर हल्के बहुत हल्के हल्के से पिम्पल्स भी आ रहे हैं तो मैं यार अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ें अपने फेस पर लगाने से क्योंकि दही से मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता दही मेरे फेस पे सूट भी करता है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और आपको पता है कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो पिंपल्स वगैरह को भी ट्रीट करेगी बहुत अच्छे तरीके से और दही जो है वो स्किन के टैनिंग को ख़त्म करता है और ये टैनिंग रिमूव करने के लिए ये वाला फेस पैक बहुत बेस्ट काम करता है ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा इसको ट्राई भी किया हुआ है और इसके रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है और बेसन का तो आपको पता ही है कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करके क्लीन कर देता है आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आ जाता है बचा हुआ फेस पैक आप हाथों और पाँव पर लगा लें बहुत यार एक ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई है और ये मैंने लगा लिया है हाथों पाँव पे अब इसको लगाने का तरीका तो ये आपने हाथों से तो लगा लिया लेकिन इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसके बाद आप लोगों ने इसको वेट करना है हल्का सा ड्राई हो लेने दें फिर फुली ये ड्राई नहीं होगा ठीक है क्योंकि अगर आप इसमें मलाई भी ऐड करेंगे तो तब भी ये फुली ड्राई नहीं होगा और अगर आप इसके अंदर दही ऐड करें तब भी ये फुली ड्राई नहीं होगा अब इसको हम वेट करते हैं दस पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट के बाद ये हाफ़ ड्राई हो गया है हल्का सा वेट है अब मैं क्या करूँगी हल्के हाथों से इसको मसाज करके स्क्रब करके रब करके उतारूंगी आपको पता ही है कि ये वाला उपटन जो है उपटन किस तरह से यूज किया जाता है उपटन को हमेशा लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करके उतारा जाता है ताकि आपकी जितनी भी डेड स्किन है इसके साथ साथ डेड स्किन उतर जाएगी एक्सफोलिएट हो जाएगी स्किन पोर्स बहुत डीपली क्लीन हो जाएंगे आपके और आपकी स्किन के ऊपर एक जबरदस्त सा ग्लो आ जाएगा तो ये बेसिकली उपटन का काम ही करेगा तो हम इसको रब करके मसाज करके उतारेंगे वैसे दीपिका ने आगे तो बताया नहीं था कि वो इसको कितनी देर लगाती हैं और कैसे यूज करती हैं और ये सबको का कर तो यूज करेंगे कर हाथों पैरों पर गर्दन पर, जहां पर भी, आपके, पे भी है ना, आप तकरीबन हफ्ते में दो बार यूज कर सकते हैं ठीक है डार्क एरियाज पर तो आपको आहिस्ता आहिस्ता डार्कनेस खत्म होती हुई दिखाई देगी आपकी स्किन से जो टैन है वो खत्म होगा अनइवन स्किन जो है वो एकदम इवन आउट हो जाएगी पिंपल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे मैंने हल्का सा रब किया मसाज किया और अब मैं मसाज करके इसको वॉश करके आऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी अच्छा मसाज करते वक्त मेरे फेस पे हल्की सी रेडनेस हो जाती है तो आपने परेशान नहीं होना मेरे फेस पे तो हो ही रही है क्योंकि मेरे छोट छोटे छोटे पिम्पल्स बने हुए हैं आजकल तो ये देखिए मूद धोने के बाद मेरी स्किन सादा पानी से मूध धो के आई हूँ स्किन इतनी ज़बरदस्त ग्लो आ गया मेरे फेस के ऊपर स्किन का टेक्सचर इतना स्मूथ और सॉफ्ट हो गया और इंस्टेंट ग्लो और ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए ना तो ये वाला फेस पैक आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं ट्रस्ट मी गाइज मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे थे और अभी मेरे फेस पर आप देख लें गीले फेस के ऊपर इतना ज़बरदस्त ग्लो नज़र आ रहा है जैसे ही मैं इसको ड्राई करूँगी तो ड्राई करने के बाद भी उतना ही ग्लो रहेगा और मेरी तरफ से थम्सअप है ज़रूर ट्राई करना कॉमेंट करके जीम बताना और ये देखें ड्राई होने के बाद मेरा फेस अभी भी बहुत ज़्यादा फेस पे नोज पे चीक्स पे बहुत अच्छा सा ग्लो आ गया है फेस पे ब्राइटनिंग इफेक्ट भी मिला है हल्का हल्का सा दो से तीन दफा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बा बाई